हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं नितिन आहूजा और आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइसेप की एक एक्सरसाइज। ट्राइसेप यानी कि हमारा आर्म का पिछला हिस्सा, इसको हम ट्राइसेप बोलते हैं। और ट्राइसेप की सबसे फेवरेट एक्सरसाइज है, सबसे कॉमन एक्सरसाइज है पुली पुश डाउन, जो कि हम यहाँ करने वाले हैं अभी। और इसको हम कैसे और बेहतर बना सकते हैं, और हैवी लोड आपको उठाना हो तो उसमें किस तरीके से टेक्निक को इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोड उठा सकें और आपको इंजरी का डर कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो, तो ये कैसे करते हैं आइए देखें इस वीडियो में। बहुत शॉर्ट वीडियो है, जल्दी से बताता हूँ आपको कैसे होता है। फ्रेंड्स, मैं ट्राइसेप पुश डाउन के लिए यानी कि जो पुली पुश डाउन है उसको करने के लिए कई सारे मेरे पास हैंडल्स हैं। मैं जिम में, मेरी शौक है कि मेरे पास डिफरेंट तरीके के हैंडल्स हों, तो अभी जो मैं करूँगा एक्सरसाइज उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ किस किस तरीके के हैंडल्स होते हैं। एक ये हैंडल होता है वी हैंडल, इसमें नीचे की तरफ ये स्टॉप करने के लिए ताकि आपका हाथ ग्रिप नीचे ना फिसले, उसके लिए होता है तो ये वी बार। उसके अलावा कई लोग यूज़ करते हैं ये रोप, यानी कि दोनों साइड से आप रोप को पकड़ सकते हैं। और फिर इसमें आप अपना हाथ को क्लोज वाइड क्लोज ऐसे कर सकते हैं। इसके अलावा एक में बस वाइड वी ये हैंडल है, जिसमें कि हैंडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है जो केबल से कनेक्ट होता है ये यहाँ से मूव होता है, फिक्स नहीं है। और इसके अलावा एक है, अगर आपने वन आर्म पुली पुश डाउन करना है तो उसके लिए सिंगल रोप यानी कि वन हैंड रोप, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो फिलहाल क्योंकि मैं वार्म अप नहीं हूँ, अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ वी बार। वैसे कोई से भी बार से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि मैं वार्म अप नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हैवी लोड पर नहीं जाऊँगा। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, करीब मेरे हिसाब से 12 प्लेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, 12 प्लेट। वैसे जो लोग बिगनर्स हैं वो एकदम से 12 प्लेट ना करें, क्योंकि उनके लिए 12 प्लेट बहुत हैवी हो जाएगा। क्या होता था, जैसे कि आपने आम देखा होगा तरीका कि ट्राइसेप पुश डाउन में जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो चेस्ट को इरेक्ट करके रखना होता है, ये होल्ड मूवमेंट हमेशा स्लो करने की कोशिश करें, होल्ड स्लो मूवमेंट कंसेंट्रिक मूवमेंट और आपका इसेंट्रिक मूवमेंट दोनों स्लो होंगे। अब होता क्या है कि जिस जिससे हम खड़े होकर करते हैं और इस तरीके से खड़े होते हैं तो हमारे लोअर बैक में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोड आता है, जिसकी वजह से कई बार जो बिगनर्स हैं या फिर जो इंटरमीडिएट लेवल के ट्रेनीज हैं वो अपनी बैक में इंजरी कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना हुआ है कि हैवी वेट से ट्रेन करने से साइज गेन होता है, और ये एक साइज गेन करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो गलती यही होती है कि वो लोग बहुत ज़्यादा हैवी अटेम्प्ट करते हैं और फिर अपनी कमर में कोई ना कोई इंजरी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप इसको खड़े होके नहीं बल्कि नीज पे बैठ के, देखिए किस तरीके से, अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ ये, अब इस तरीके से अगर मैं करता हूँ तो मेरे लोअर बैक पर लोड बहुत कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। और इसमें एक फ़ायदा और मिलेगा आपको, कई लोग क्या करते हैं जब वो ट्राइसेप कर रहे होते हैं उनका पूरा हैंड ऐसे से मूव कर रहा होता है, यानी कि शोल्डर जॉइंट से जो उनका आर्म जुड़ा होता है वाला जॉइंट भी उनका आगे पीछे हो रहा होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। आपका इतना पार्ट शोल्डर से लेके एल्बो तक फिक्स रहना चाहिए एक जगह, सिर्फ एल्बो से नीचे का जो आपका पार्ट है आर्म का वो मूव होना चाहिए। तो जब आप बैठ के करेंगे नीज के ऊपर तो वो भी आप इजीली उसको बनाए रखेंगे, उसको आपको बरकरार रखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बट जो लोग अभी बिगनर्स हैं उनसे
मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि बहुत ज़्यादा वेट ना लगाएं। अभी मैं देख लीजिए, मैं खुद अभी 12 मिनट से कर रहा हूँ, मैं वार्म अप नहीं था, उसके बावजूद मेरी सांस चढ़ गई, क्योंकि इतना हल्का वेट नहीं है। और जो तरीका मैं करता हूँ, यानी कि स्लो रेपिटेशंस प्लस उसमें होल्डिंग, उसमें अच्छी खासी जान लग जाती है। यही असली तरीका है करने का एक एक्सरसाइज को, कि आपको हर एक रेपिटेशन, उसका हर एक छोटा छोटा हिस्सा जो भी है, इसेंट्रिक मूवमेंट, कंसेंट्रिक मूवमेंट और एक्सटेंड होल्ड, वो आपको पूरा हिट करे उस मसल को ज़बरदस्त तरीके से। आप कितने रेपिटेशंस कर रहे हैं, कितना वेट है, वो चीज़ें सेकेंडरी हो जाती हैं। पहली चीज़ है कि आपको जो आपने मूवमेंट दिया है अपनी मसल को के ऊपर, वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, उस मसल को ढंग से हिट करना चाहिए, तभी वो आपकी मसल को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो ये तरीका है जो हमने अभी देखा वी हैंडल से। इसी को अगर हम सिंगल आर्म से करेंगे, सिंगल आर्म में वेट इतना नहीं उठता, कम उठता है, तो उसमें मैं वेट कम करने जा रहा हूँ। इसमें भी आप नीचे बैठ के अगर करेंगे तो कंपैरेटिवली खड़े होकर करने से आपको ज़्यादा अच्छा फील आएगा बैठ के करने में। इसको मैं और स्लो भी कर सकता हूं, बट आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए नहीं कर रहा। देखिए, हमें अपनी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये सब करना ज़रूरी है। जितना हम मसल के ऊपर लोड कहते हैं, टाइम अंडर टेंशन, TUT, वो आपका जितना ज़्यादा होगा, उतना मसल को बढ़ने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। यानी कि टाइम अंडर टेंशन हम जितना ज़्यादा करेंगे, देखिए एक रेपिटेशन आप कर रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, उसी रेपिटेशन को आपने कर दिया करीब करीब 5 सेकंड के अंदर, यानी कि स्लो कंसेंट्रिक मूवमेंट, फिर होल्ड, स्लो इसेंट्रिक मूवमेंट, वो जाके आपने कर दिया 5 से 7 सेकंड में। कहाँ हम एक रेपिटेशन कर रहे थे 1 सेकंड में, अभी हम कर रहे थे 5 से 7 सेकंड में, यानी कि हमने जो टाइम अंडर टेंशन है वो करीब करीब 5 to 7 times बढ़ा दिया। तो वही फ़र्क डाल देता है कि एक रेपिटेशन 1 सेकंड वाला और एक रेपिटेशन 5 या 7 सेकंड वाला। तो एक एक रेपिटेशन की जो क्वालिटी होगी वो पहले से कितने टाइम्स ज़्यादा बेटर होगी, वो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस चीज़ को, और आई होप आप ये चीज़ लाइक करेंगे। आपको कैसा लगा ये टेक्निक और जो भी मैंने आपको टिप दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दो बार सब्सक्राइब मत करिएगा, अनसब्सक्राइब हो जाता है। कुछ लोग शायद ऐसी गलती कर देते हैं, इसीलिए समझा रहा हूँ। तो कैसा लगता है आपको ये, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, उसके बाद मेरे को बताइएगा कि कैसा लगा आपको करने के बाद, और क्या फ़र्क दिखाई दिया आपको पहले खड़े होकर करने में और अभी इस तरीके से बैठ के करने में। तो मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स का, आप लोगों के एडवाइजेस का, जो भी, कि मैं अपने वीडियोस को और बेहतर कैसे बनाऊं, आप किस बारे में और नए वीडियोस देखना चाहते हैं वो मेरे को बता सकते हैं। जो भी आपका कमेंट हो प्लीज़ करिएगा ज़रूर। तो तब तक के लिए विदा लेता हूं आपसे, थैंक यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।